हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसआर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो आज हम हेलो एल्केन बनाने की विधियों को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो हेलो एल्केन को 6 विधियों से तैयार किया जाता है। फर्स्ट एल्कोहल से, सेकेंड एल्केनो से, थर्ड एल्किनो से, फोर्थ एल्काइन से, फिफ्थ हैलाइड विनिमय विधि से, और सिक्स हुंस्टीकर विधि से। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट एल्कोहल से, तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अभिक्रिया एल्कोहल से प्रारंभ होती है, और इसकी विभिन्न अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करवा करके हेलो एल्केन को तैयार किया जाता है। तो इसकी 3 मुख्य उपविधियां हैं। फर्स्ट एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, सेकेंड एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया, और थर्ड एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया। तो एल्कोहल से इन 3 विधियों के द्वारा हेलो एल्केन को तैयार किया जाता है। हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया। तो यहाँ पर जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल पर सांद्र हैलोजन अम्ल को निर्जलीकारक जिंक क्लोराइड या फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, जिससे अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह को हैलाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और एल्किल हैलाइड तैयार किया जाता है। यहाँ पर हैलाइड हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि समूह 17 के तत्व हैं। यहाँ पर अल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया के अंतर्गत हम 3 अभिक्रियाओं को समझेंगे। फर्स्ट एल्किल क्लोराइड का बनना, सेकेंड एल्किल ब्रोमाइड का बनना, और थर्ड एल्किल आयोडाइड का बनना। पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अभिक्रिया अल्कोहल से शुरू होगी और हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया होगी। निर्जलीकारक पदार्थ जिंक क्लोराइड या फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर हम इन 3 अभिक्रियाओं को समझेंगे। एल्किल क्लोराइड का बनना, तो जब प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल ये शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निर्जल जिंक क्लोराइड या फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे यहाँ पर हमको समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर R की जगह पर हम कोई भी एल्किल लेकर के समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ पर R के स्थान पर हमने एथिल लिया है, और ये एथिल एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। इसकी HCl से अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है, और द्वितीयक एल्कोहल प्रोपेन टू ऑल की HCl से अभिक्रिया करवाएंगे निर्जलीकारक पदार्थ निर्जल जिंक क्लोराइड या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। यहाँ पर निर्जल जिंक क्लोराइड एक लुईस अम्ल है, जिसमें जिंक क्लोराइड एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध में विदलन करना यानी कि उसको तोड़ने में सहायता करता है। यहाँ पर जो तृतीयक अल्कोहल होता है, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसमें निर्जलीकारक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्जलीकारक पदार्थ की अनुपस्थिति में भी क्रिया करते हैं। तो यहाँ जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ये HCl से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर निर्जल जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तृतीयक अल्कोहल अधिक क्रियाशील होता है, तो इसकी अभिक्रिया से तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनता है। सेकेंड एल्किल ब्रोमाइड का बनना, अल्कोहल को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ निर्जलीकारक पदार्थ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। और थर्ड है एल्किल आयोडाइड का बनना,
इसी प्रकार से जो एल्कोहल है, एल्कोहल की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये एल्किल आयोडाइड बनता है। यहाँ पर हमें एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम प्रदर्शित है, तो यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल अत्यधिक क्रियाशील होता है, उससे कम क्रियाशील द्वितीयक एल्कोहल और उससे कम क्रियाशील प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर जैसे हम समीकरण में भी अभी समझे, जो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक होती है जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जो तृतीयक एल्कोहल होता है, जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इसमें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वयं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अभिक्रिया स्वयं संपन्न हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो एल्किल क्लोराइड है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल से तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एल्किल ब्रोमाइड है ये केवल प्राथमिक एल्कोहल से तैयार किया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल से द्वितीयक ब्रोमाइड, तृतीयक ब्रोमाइड, या हम एल्किल आयोडाइड की बात करें तो द्वितीयक आयोडाइड और तृतीयक आयोडाइड एल्कोहल से तैयार नहीं किए जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं ये सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर के ये एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल से द्वितीयक ब्रोमाइड, तृतीयक ब्रोमाइड या द्वितीयक आयोडाइड और तृतीयक आयोडाइड तैयार नहीं किए जाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम क्रियाशील हाइड्रोजन हैलाइड होता है, तो इन विधियों के द्वारा फ्लोरो एल्केन का निर्माण करना संभव नहीं होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर हैलोजन अम्ल की विशिष्ट एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता का क्रम प्रदर्शित है, तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उससे कम क्रियाशील हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उससे कम क्रियाशील हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक क्रियाशील और हाइड्रोजन क्लोराइड कम क्रियाशील, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड आसानी से आयोडाइड आयन देता है। एंड एल्कोहल पर फॉस्फोरस हैलाइड की क्रिया, इसके अंतर्गत हम तीन अभिक्रियाओं को समझेंगे। फर्स्ट एल्किल क्लोराइड का बनना, सेकंड एल्किल ब्रोमाइड का बनना और थर्ड एल्किल आयोडाइड का बनना। फर्स्ट एल्किल क्लोराइड का बनना, तो एल्कोहल पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड की क्रिया से एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ गर्म करने पर ये एल्किल हैलाइड बनता है और एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ अभिक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पर हम R के स्थान पर एल्किल रख करके समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया होने पर ये एथिल क्लोराइड बनाता है और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और सेकंड समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एथिल एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से अभिक्रिया होने पर एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। सेकंड एल्किल ब्रोमाइड का बनना, तो एल्कोहल को लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर फ्लास्क में ही एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि फॉस्फोरस और ब्रोमीन की अभिक्रिया से फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड बनता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर R के स्थान पर कोई भी हम एल्किल लेंगे तो यहाँ पर हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनता है और साथ में फॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। थर्ड एल्किल आयोडाइड का बनना, तो जब एल्कोहल को लाल फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य बात है, जैसे यहाँ पर फास्फोरस और ब्रोमीन की अभिक्रिया से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता है, उसी प्रकार से फास्फोरस और आयोडीन की अभिक्रिया फ्लास्क में होती है और फास्फोरस ट्राईआयोडाइड बनता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, अल्कोहल की फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ अभिक्रिया होने पर एल्किल आयोडाइड और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर R की जगह हम एल्किल ग्रुप लेंगे, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राईआयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर ये एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और साथ में फास्फोरस अम्ल बनता है। थर्ड, अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया। तो जब अल्कोहल पर पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। यहाँ पर अल्कोहल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है और पिरिडीन की उपस्थिति है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर हम R की जगह पर एथिल लेकर के अभिक्रिया को बनाएंगे, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को कहते हैं और C5H5N ये पिरिडीन का सूत्र होता है, तो एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड का बनना को हम समझे, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को नहीं बनाया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना है। तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए थायोनिल ब्रोमाइड की आवश्यकता होगी और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए थायोनिल आयोडाइड की आवश्यकता होगी। तो जो थायोनिल ब्रोमाइड होता है ये अस्थायी होता है और थायोनिल आयोडाइड ये अज्ञात होने के कारण इस अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता है। अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से एल्किल क्लोराइड का बनना ये डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार यहाँ पर अल्कोहल से प्रारंभ होकर के और विभिन्न अभिकर्मकों की सहायता से अभिक्रिया करके हमने एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के बनने को तीन उपविधियों से समझे, अल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया और अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया। आगे सेकंड विधि है एल्केनों से। तो एल्केन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। यहाँ पर हम एल्केन लेंगे, एल्केन की हेलोजन से अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया सूर्य के धीमे प्रकाश में या फिर उत्प्रेरक टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति में होती है जिससे हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड बनता है। यदि यह अभिक्रिया एल्केन और हेलोजन के मध्य हो रही है तो क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण ये अभिक्रिया सरलता से होती है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, मेथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया होने पर मेथिल क्लोराइड और मीथेन की ब्रोमीन से अभिक्रिया होने पर मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। साल्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत एल्किल फ्लोराइड तैयार किया जाता है इसलिए इसे साल्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्किल फ्लोराइड अप्रत्यक्ष हेलोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया होने पर एथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण में मीथेन की क्लोरीन और ब्रोमीन से अभिक्रिया डायरेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से एथिल फ्लोराइड तैयार किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को साल्ट अभिक्रिया कहते हैं। आयोडीकरण, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, मीथेन की आयोडीन से अभिक्रिया होने पर मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये जो आयोडीकरण अभिक्रिया है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को दूर करने के लिए अभिक्रिया को ऑक्सीकारक आयोडिक अम्ल HIO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार एल्केनों से एल्किल हैलाइड की शुद्ध मात्रा प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि अनियंत्रित हेलोजनीकरण के द्वारा हेलोजनीकरण उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है जिसको पृथक करना कठिन होता है और शुद्ध एल्किल हैलाइड नहीं प्राप्त किया जा सकता। थर्ड, एल्किनों से, एल्किन के हेलोजन अम्ल के योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है,
एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया होने पर ब्रोमो एथीन बनता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब जो भी दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं ये इनका पूरा योग हो जाता है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। तो असममित एल्कीन पर हेलोजन अम्ल का योग मार्कोनी काफ के नियम तथा एमएस खराश प्रभाव, जिसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, के द्वारा होता है। यहाँ पर हम मार्कोनी काफ का नियम को समझेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि आपको आगे इसकी क्रियाविधि को समझने में आसानी हो। तो मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है, मतलब कि जो भी ऋणात्मक भाग होगा वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु से कम हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जैसा कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, प्रोपीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया होने पर 2-ब्रोमो-प्रोपेन बनता है। तो मार्कोनी काफ योग की क्रियाविधि से हम समझेंगे कि प्रोपीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया होने पर 2-ब्रोमो-प्रोपेन किस प्रकार से तैयार होगा। तो आगे हम समझते हैं मार्कोनी काफ योग की क्रियाविधि। मार्कोनी काफ योग यह आयनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। इसमें उत्पाद के निर्माण को मध्यवर्ती कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, इसमें जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये पहले H+ और Br- में डिवाइड होता है। इन स्टेप में हमको प्रदर्शित है कि प्रोपीन से H+ आयन जुड़ेगा, चूंकि ये योगात्मक अभिक्रिया है तो इसमें कोई उप उत्पाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर H+ आयन जुड़ रहा है, तो अब ये H+ आयन जुड़ने पर कार्बोधन आयन का निर्माण होगा। तो ये H+ आयन CH2 से जुड़ता है जो यहाँ पर CH3 बना लेता है, और ये सिंगल बॉन्ड बनता है जिससे ये कार्बोधन आयन बना लेता है। अब ये जो कार्बोधन आयन होता है ये सेकेंडरी कार्बोधन आयन होता है जो अधिक स्थायी होता है। तो थर्ड स्टेप में इस कार्बोधन आयन से Br- यानी कि ऋणात्मक भाग जुड़ रहा है। तो यहाँ पर मार्कोनी काफ का नियम देखिए कि क्या कहता है, कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, मतलब जो H+ आयन और Br- आयन, तो इसमें ऋणात्मक भाग Br- है, तो Br- ये जुड़ रहा है, तो ये किससे जुड़ेगा, किस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। तो मार्कोनी काफ का नियम क्या बोलता है कि असममित द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु से न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोपीन में द्विबंध है तो फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो कार्बोधन आयन से जब ऋणात्मक भाग जुड़ेगा तो ये दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और जो फर्स्ट कार्बन है इस पर हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर प्रोपीन में हाइड्रोजन की संख्या सेकेंड नंबर के कार्बन पर कम है, इसलिए जो ऋणात्मक भाग है ये मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ेगा और ये प्रोपीन से 2-ब्रोमो-प्रोपेन तैयार करेगा। तो हमने समझा मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, लेकिन जब परऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काफ नियम के विपरीत होता है, जिसको परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। तो परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव के अंतर्गत ये इसका नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए मार्कोनी काफ का नियम क्या बोलता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है प्रोपीन, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रोपीन इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर प्रोपीन इस तरीके से लिखा है, सूत्र वही है CH3 CH
CH2, इसको केवल हाइड्रोजन को बॉन्ड के रूप में दर्शा दिया है और इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोपीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया हो रही है और ये 1-ब्रोमोप्रोपेन बना रहा है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है, लेकिन परऑक्साइड प्रभाव या खराज प्रभाव के अंतर्गत प्रोपीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया होने पर 1-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। तो प्रति मार्कोनिकॉफ योग मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर क्रियाविधि प्रदर्शित है, प्रोपीन प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के ऋणात्मक भाग से हो रही है। तो यहाँ पर हमको परऑक्साइड प्रभाव को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो द्विबंध कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या किसमें अधिक है, CH2 जो फर्स्ट नंबर पर कार्बन है। तो जो ये ब्रोमीन है मुक्त मूलक, ये इस कार्बन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी मूलक बना लेता है जो कि अधिक स्थायी होता है। फिर इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया होती है तो ये 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाता है। साइड प्रभाव में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि परऑक्साइड प्रभाव हाइड्रोजन ब्रोमाइड के योग पर ही संभव होता है। कहने का मतलब है कि यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के स्थान पर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड का योग परऑक्साइड की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बंध ऊर्जा अधिक होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड में मुक्त आयोडीन मूलक का निर्माण आसानी से हो जाता है जो कि अत्यधिक स्थायी होता है। तो ये स्थायी होने के कारण ये अन्य से अभिक्रिया करके आयोडीन अणु का निर्माण करता है। और एल्काइन से, तो एल्काइन से अभिक्रिया को प्रारंभ करके एल्किल हैलाइड अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें एल्काइन को सबसे पहले एल्कीन में नियंत्रित अपचयन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो एल्काइन है उसको एल्कीन में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद हेलोजनीकरण करके एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। तो हैलाइड विनिमय विधि, अब जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है हैलाइड विनिमय, यानी कि जो भी पदार्थ होंगे उनमें दोनों पदार्थ में हैलाइड होंगे और उनका विनिमय होगा। तो जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया हो रही है जिसमें एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो आयोडो एथेन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एथिल ब्रोमाइड है इसमें हैलाइड है और सोडियम आयोडाइड इसमें भी हैलाइड है, तो इसका एक्सचेंज होता है, मतलब कि आयोडीन जो है ब्रोमीन का स्थान ले लेता है और ब्रोमीन आयोडीन का स्थान ले लेता है। इस प्रकार से आयोडो एथेन तैयार किया जाता है। हैलाइड विनिमय विधि को फेंकेलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। 6, हुंज़ीकर विधि, हुंज़ीकर विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अध्रुवी विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में तैयार करते हैं और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से किया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जिसको अध्रुवी विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में तैयार किया जाता है और इसकी ब्रोमीन से अभिक्रिया होने पर यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। R के स्थान पर एथिल लेकर के यदि हम समीकरण तैयार करते हैं तो सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हमने हेलो एल्केन बनाने की सामान्य 6 विधियों को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम हेलो एल्केन के समावयवता और कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।